यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। गाजियाबाद के सिहानी थाना क्षेत्र में हिंडन विहार में बदमाशों ने टायर फैक्ट्री मालिक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक राजीव चौहान की 47 वर्षों से टायर की फैक्ट्री है। बुधवार देर रात राजीव चौहान अपनी फैक्ट्री से बाहर निकला ही था कि कुछ बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे राजीव की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवा दिया है। पुलिस पूरा मामला दर्ज कर आरोपियों की जांच में जुटी है। तो शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। टायर फैक्ट्री के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, कुछ बदमाशों ने गोली चला दी और जिसके चलते हत्या कर दी गई। साथ ही आपको बता दें, टायर फैक्ट्री के मालिक काफी लंबे वक्त से टायर फैक्ट्री चला रहे थे और मालिक की मौके पर ही मौत हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है और साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भिजवा दिया है। अब आगे क्या कार्रवाई की जाती है ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। गाजियाबाद की एक खबर है जहां पर टायर फैक्ट्री के मालिक की मौके पर ही मौत हो गई। बदमाशों ने गोलियां चलाकर मौत के घाट मालिक को उतार दिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली। पुलिस सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। साथ ही आगे की कार्रवाई जो पुलिस करेगी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कर पाएगी। एक आरडीसी में टायर शॉप की और अलाइनमेंट की दुकान है और यहाँ हिंडन विहार में उनकी क्रोम प्लेटेड की फैक्ट्री है। तो वो क्रोम प्लेटेड की फैक्ट्री पे बैठे थे शाम को, वहाँ से जैसे ही बाहर निकले तो एक बहुत पुराने इनके कर्मचारी, इन्होंने अपनी जॉब फैक्ट्री से निकाल दिए थे 5-6 महीने पहले, तो वो इनको थ्रेट देते रहते थे और कि भाई हमें क्यों नौकरी से निकाला, हम धमकी देते रहते थे मार देंगे। फिर अचानक से उन्होंने गोली मार दी